और ये कितने बड़े हैं, ये मोर जैसा लग रहा है, उड़ते हैं मोर जैसे उड़ता है। ऑरेंज कलर की तो यहाँ पर रियल स्नेक देखने को मिला है तीन चार जगह घूमने के बाद। तो गाइज ये है डियर पार्क और यहाँ पर ये चीत। हेलो गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं आज आया हूँ देहरादून जू के अंदर, और कहा जाता है देहरादून जू जो है काफ़ी फेमस है। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, और दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ पर देहरादून जू के अंदर घूमने के लिए। और काफ़ी सारे जानवर और काफ़ी सारी बर्ड्स, स्नैक्स और मछलियों की प्रजाति जू के अंदर पाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर मिलती हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जू के अंदर एंट्री करते ही आपको इस तरीके का फेस दिखाई देगा। इधर की साइड अगर देखोगे तो इधर बच्चों के झूले वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आपके साथ अगर बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर आराम से झुला सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं आगे। ये जो हैं ये बर्ड्स के हट बना रखे हैं, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पैरट है, यहाँ पर ही पैरट्स बैठे हुए हैं। ये देखिए ऊपर कुछ पैरट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई हैं, इन्हें बर्ड गैरीगर कहते हैं, बजरीगर चिड़िया हैं। यहाँ से आपको देख पा रही है, नहीं देख पा रही है कह नहीं सकता हूँ, बट जाली के अंदर ये बैठी हैं। आगे आएंगे तो यहाँ पर भी कलरफुल चिड़िया आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लव बर्ड है, लव बर्ड कहते हैं, बहुत अच्छी बर्ड्स होती है। यहाँ पर देखो एक ये बैठा हुआ है, इस पक्षी का नाम सिल्वर फिजेंट है। तो ये यहाँ पर आपको जू के अंदर देखने मिलेगा। और ये कितने बड़े हैं, ये मोर जैसा लग रहा है, उड़ते हैं मोर जैसे उड़ता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इतना बड़ा जो पिंजरा है, इसके अंदर मोर हैं, ज़्यादा तो नहीं है पर तीन चार मोर इसके अंदर बैठे हुए हैं, और जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ मोर यहाँ पर सामने देख सकते हो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस पिंजरे के अंदर आपको शुतुरमुर्ग देखने को मिलेगा। ये सामने शुतुरमुर्ग है, कितना बिग साइज का है। देखो आ रहा है इस साइड को, और कितना बिग साइज है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हिमालयन वल्चर बैठा हुआ है, काफी बड़ा है साइज में। और क्या बोला है हिंदी, देखो गाइस आप देख सकते हो दोस्त वे सामने बैठे हुए हैं यार, वे रहे सामने। तो तीन इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर मगरमच्छ के लिए तालाब बनाया हुआ है, इसके अंदर ये मगरमच्छ आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो सामने बैठे हुए हैं, एक वो देख सकते हो आप वहाँ पर, वो सामने वहाँ पर बैठा हुआ है, और कुछ यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो बैठे हैं सामने, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको काफ़ी सारे क्रोकोडाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भाई जब चलते हैं स्नेक हाउस में, इसके अंदर कहते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके स्नेक आपको देखने को मिलेंगे। अरे यार कोई स्नेक दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा भैया सारे स्नेक को कोई ले गया काल के। यहाँ पर कोई स्नेक ही दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं किधर है। तो गाइज काफ़ी खोजबीन करने के बाद यहाँ पर सामने स्नेक देखने को मिला है। पीछे दो तीन घर स्नेक के हम देख के आ रहे हैं, उनके अंदर कोई भी स्नेक देखने को नहीं मिल रहा था, शायद वो छुपे पड़े थे अपने घरों के अंदर। और यहाँ पर ये देख सकते हो सामने,
ये भी पूरा छुपा हुआ है, इसने सिर्फ अपना मुंह निकाल रखा है यहाँ पर। आगे चलते हैं, और भी काफ़ी सारे हाउस हैं यहाँ पर स्नेक के, उनमें देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पर रियल स्नेक देखने को मिला है। तीन चार जगह घूमने के बाद ये पांचवी जगह, कॉमन क्रेत स्नेक है जो काफ़ी जहरीला होता है, ये रियल है। ये यहाँ पर हलचल कर रहा है, देख सकते हो। ये भी यहाँ से छुप रहा है, ये भी अंदर इसमें देख सकते हो बढ़ जाएगा, फिर ये भी दिखाई नहीं देगा। और आगे चलते हैं, क्या देखने को मिलता है भाई। यहाँ पर देख सकते हो ये बाल पाइथन स्नेक देखने को मिल रहा है। ये विषैला नहीं होता है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी स्नेक के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। देखो आराम के साथ लेटा हुआ है पानी के अंदर भाई। अब एक्वेटिक वर्ल्ड में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मछलियों की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मछलियाँ अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसी शुरू में आते हैं तो यहाँ पर ये मछलियाँ देखने को मिल रही हैं, जो काफ़ी प्यारी हैं, रंग बिरंगी अलग अलग कलर की ये मछलियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मछलियों की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियाँ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो किस प्रकार की मछली। किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये देखो। तो गाइस ये है डियर पार्क, और यहाँ पर ये चीतल है जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये सामने आपको दिख रही होगी। देखो ये इधर की साइड ही आ रही है, काफ़ी प्यारी है। देखो सींग देखो इसके गाइस, और ये काफ़ी सारी हैं, इसके अंदर ज़्यादा बच्चे हैं, और जिसके काफ़ी बड़े बड़े सींग हैं वो यहाँ पर दो तीन ही देखने को मिल रही है, बाकी सबके छोटे छोटे सींगी हैं। ये देखो यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं पास में ही, और इधर की साइड भी देखो काफ़ी सारी हैं। ये देखो ये खड़ी हैं सामने, तो ये हैं चीतल। तो गाइस देहरादून का जू कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर जानवर के नाम पे तो सिर्फ आपको डियर और बंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन चिड़ियों की काफ़ी सारी क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और फिश की भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बर्ड्स और फिश तो काफ़ी ज़्यादा हैं, स्नेक के नाम पे तीन ही स्नेक देखने को मिले, बाकी स्नेक या तो अंदर दुबके हुए थे या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 90 रुपये का एंट्री टिकट लगता है अंदर आने के लिए, 90 रुपये आपको पे करने होंगे तब आप अंदर जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया पूरा जू किस प्रकार का है, तो आप आना चाहते हैं तो आ जाएँ और आराम के साथ खुद से जू के अंदर घूमें। तो गाइस मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे मेरे इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी कंटिन्यू मिलते रहें। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अलग जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।